ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शाहीन बाग में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दायर, थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और याचिका दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई, एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा, वहां पर कार्रवाई की, लेकिन शाहीन बाग के जो स्थानीय लोग वो वहां पर बैठ गए, लेट गए। उनका कहना है कि बुलडोजर हमारे ऊपर से चलाओ वरना कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वहां के लोगों को डर यह है कि उनके आशियाने उजड़ रहे हैं, वहां के लोगों को डर यह है कि उनकी दुकानें उजड़ रही है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी है, स्थानीय लोग हैं, नीचे सड़कों पर बैठे हुए हैं जब बुलडोजर वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। तो स्थानीय लोग सड़कों पर बैठ गए और इनका कहना था कि पहले बुलडोजर हमारे ऊपर से चलाइए, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है यहाँ पर, ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है अलग अलग तारीखों में हो रही है और आज शाहीन बाग में ये कार्रवाई, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। और इस मुद्दे पर चर्चा पर वापस आते हैं, गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रमाकांत मिश्रा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अनुज अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन सैफी, अपडेट आपसे लेते हुए, क्या अपडेट है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, शाहीन बाग में जिस तरह आज हाई वोल्टेज के बीच में बुलडोजर पहुंचा एनसीपी का और स्थानीय लोगों का प्रोग्रेस देख रहे हैं, इतना मैं आपको बता दूं, स्थानीय लोगों के साथ साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी शामिल रहे और एक महिला तो जिसके पैर में चोट लगी हुई थी वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। और वो खास तौर पर जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि अन्याय है, ये गरीबों पर निशाना बनाया जा रहा है, ये खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। वहीं थोड़ी देर बाद अमानतुल्ला जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, आम आदमी पार्टी का अमानतुल्ला भी वहाँ पहुंचे और उन्होंने भी डटकर विरोध किया और साथ में स्थानीय लोगों ने वहाँ बुलडोजर के आगे बैठकर अपना विरोध जताया। उनका कहना था कि ये बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है जो बिल्कुल उचित नहीं है। साथ में उनकी बात को समर्थन देते हुए अमानतुल्ला ने कहा कि जो दुकानें हैं वो जगह छोड़कर बनाई गई, अपनी जगह में पटरी है, अपनी जगह में सीढ़ी है, ऐसे में अतिक्रमण के नाम पर ही जबरदस्ती की कार्यवाही है। लेकिन वही भाजपा का कहना है कि ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, इससे दिल्ली वालों को ही लाभ मिलेगा, इससे स्थानीय लोगों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात है कि आज इस बुलडोजर के मैदान में आम आदमी की पार्टी बात करें या कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तीनों एक दूसरे के घोर विरोधी दिखाई देते हैं। जी गुलशन, प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे हुए थे, वहां के जो स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन अभी चल रहा है या फिर खत्म हो चुका है, क्योंकि बुलडोजर वहां से वापस लौट आया है? बुलडोजर लौट आया है क्योंकि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई थी और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस मामले को लेकर अब तल्लखी दिखाता नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट का भी मानना है कि जब 2 बजे सुनवाई होनी थी तो ठीक उससे पहले शाहीन बाग में इस तरह की बुलडोजर की कार्यवाही अपने आप में जो है कोर्ट की नाराजगी का कारण बन रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको फिलहाल अभी कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुलडोजर लौट गया है। हाँ, कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया था, शांति व्यवस्था बहाल रहे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 100 लोगों की टुकड़ी सीआरपीएफ के जवानों की भेजी गई थी जो पुलिस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है शाहीन बाग से? मतलब कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है लेकिन अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कितने स्थानीय लोग और कितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। जी रमाकांत जी, आपसे अगला मेरा सवाल होगा, पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, वो भी बात पूरी करिएगा। और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एमसीडी का विरोध लोग कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके आशियाने उजड़ रहे हैं। देखिए काजल जी, यहाँ पर एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई कोई नहीं कर रही है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं जो कि बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से वो एक जैक जैसा बना हुआ था बिल्डिंग के आगे में और कैसे उसको उतारा गया, और वो स्थानीय लोग थे। विरोध करने वाले वही हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी से है। मैं कह रहा हूँ किसी तरह का ना कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई है, कुछ नहीं है। और जहां तक बात है सुरक्षा व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर तैनात है और पहले भी इस तरह के जो प्रोसेस हुए हैं
वो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत आज हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है और सुनवाई भी होनी है, लेकिन पहले इसको सर्वे किया गया, फिर जगह को चिन्हित किया गया, फिर उसके बाद नोटिस भी दी गई है और सारी प्रक्रिया को पालन करते हुए। रमाकांत जी, अगर नोटिस दिया गया तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर नोटिस दिया गया, उनको इस कार्रवाई का पहले से पता था, तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों सड़कों पर बैठे हुए हैं? क्यों सड़कों पर लेटे हुए हैं? बुलडोजर के नीचे आने को तैयार है? अब बिल्कुल सही बात आपने कही, जो कि ये विरोध करने वाले कौन है, यहाँ पर विरोध करने वाले वो हैं जो दिल्ली में जिसकी सरकार है और जो कांग्रेस है, उन्हीं पार्टी के ये कार्यकर्ता, उन्हीं को ये जो स्पेस बनी हुई है उनको और कार्यकर्ताओं के बीच में निश्चित तौर पर ये वही है विरोध करने वाले। अब जहां तक आप कह रहे हैं जो कि जब बुलडोजर की बात है, वो बिल्कुल प्रोसेस के तहत हुआ है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है और यहाँ पर विरोध करने वाले पार्टी जो भ्रांतियां फैलाई गई है वो भ्रांतियों को मैं कह रहा हूँ दरकिनार करते हुए एमसीडी अपनी जो कार्रवाई है वो पारदर्शिता पूर्ण काम कर रही है और निश्चित तौर पर ऐसे काम होते रहना चाहिए, ये सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं चाहती क्या अतिक्रमण हो वहाँ पर? अतिक्रमण ऐसे ही रहे, उस पर कार्रवाई नहीं चाहती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? अगर काजल जी, अगर उसके ऊपर मैं कार्रवाई चाहती तो आप जब आपने देखा जो कि जहांगीरपुरी वाला जब मामला हुआ था और जहांगीरपुरी वाले मामले में किस तरह से सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की गई, वहां पर अगर आप एक चीज बताइए, अगर कहीं पे अभी अतिक्रमण है, कहीं पर इंक्रोचमेंट है, वहां पर आपको बिल्कुल स्थानीय प्रशासन की मदद करनी चाहिए। वहां पर आप राजनीति कर रहे हैं, आपको जहां पर लगता है जो कि हाँ यहाँ पर कंटेंट है, दिल्ली की सरकार एमसीडी की मदद नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार एमसीडी की मदद नहीं कर रही, मतलब बिल्कुल नहीं कर रही है कार्रवाई में, बिल्कुल नहीं कर रही है, बल्कि उनको स्थान बिल्कुल मदद करनी चाहिए वहां पे, और बिल्कुल ऐसी इस तरह का काम वो कोई ना मदद कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर में खाली राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अनुज अग्रवाल जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वहां पर कार्रवाई एमसीडी करना चाहती है क्योंकि अतिक्रमण वहां से हटाना है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां से अतिक्रमण हटाया जाए। देखिए, दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में लगातार अतिक्रमण हटाने की एमसीडी कार्रवाई कर रही है जी। उसी में क्रमबद्ध तरीके शाहीनबाग का नंबर आया, शाहीनबाग को विशेष रूप से नहीं कर रही है, और जहां अतिक्रमण है वो आप भी सहमत होंगी, मैं भी सहमत हूँ और कोई भी तीसरे व्यक्ति सहमत होगा कि अतिक्रमण है अगर कहीं पर भी तो वो हटेगा, कहीं भी अवैध इमारतें बनी है हटनी चाहिए जी, क्योंकि वो हमारे सारे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का लोकल सिविक फैसिलिटीज है, उन सबको अफेक्ट करती है। ज्यादा एक बस्ती में ज्यादा मकान होने से, ज्यादा दुकान होने से वहाँ पर सीवर की समस्या आती है, सड़कों की समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, बिजली की समस्या आती है, स्वच्छ हवा की समस्या आती है, कूड़ा निस्तारण की समस्या आती है, और वो पूरा क्षेत्र एक अराजक क्षेत्र में डेवलप हो जाता है जी। तो इसलिए अगर कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो निश्चित रूप से इसका इस पर इसका समर्थन होना चाहिए, इसमें सारे पक्षों को सहयोग करना चाहिए और उन लोगों को बार बार सोचना चाहिए जिन्होंने वहां पर अतिक्रमण किया। ये बोलने वाले लोग होते हैं जिनको इनको नेता अफसर और कुछ ना कुछ स्थानीय लोगों का नेक्सस होता है जो इनको फंसा लेता है कि तुम्हें सस्ते में जगह दे देंगे और तुम यहाँ आराम से मकान बनाओ, हम संरक्षण देंगे तुम्हें, कोई तुम्हें तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ेगा, और वो लोग फंस जाते हैं और अवैध रूप से जो प्लॉट काटे हुए होते हैं उनमें अपनी दुकानें या मकान बना लेते हैं। तो उस नेक्सस को तोड़ने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि व्यवस्थित उद्योग है ये, बीच में कभी एमसीडी कार्यवाही करती है तो हट जाते हैं, उसके बाद जैसे एमसीडी का दस्ता चला जाता है वो फिर से फंस जाता है। लेकिन अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंचते हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर विरोध किया जा रहा है इस बुलडोजर की कार्रवाई का, उससे साफ पता चलता है अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंचते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं और वो ये तक कहते हैं कि यहां से अतिक्रमण मैंने अपने पैसों से हटवाया, इससे साफ पता चलता है कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि वहां से अतिक्रमण ना हटे। नहीं, कुछ हटवाया होगा, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अतिक्रमण करवा दिया होगा, करवा दिया उन लोगों को अपना वोट बैंक बना के उनके वोटर आईडी इश्यू करा दिए गए होंगे, उनको अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ये बहुत सारे खेल राजनीति में होते हैं और चूंकि अमानुल्लाह खान जी का वोट बैंक वो होगा इसलिए उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वो एक स्थायी समस्या है और कोई भी ड्रोन सर्वे करा के आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है और जहाँ गड़बड़ है वहाँ उसका निस्तारण किया जाए। और अमानतुल्ला जी का काम जितना है वो अपना करें और जो एमसीडी के अधिकारियों का और उस दस्ते का काम उसको करने दिया जाए।
ठीक है गुलशन, गुलशन कुछ कहना चाह रहे, गुलशन सैफी आप अपनी बात पूरी करिए। और एक और मेरा सवाल आपसे अमानतुल्ला खान को लेकर होगा, अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा? देखिए जी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं रमाकांत जी को सुन रहा था जो भाजपा की ओर से है, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि पूरी तरह से न्याय संगत और जो कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, अगर ऐसा है और आप कानून के तहत एक प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटा रहे हैं तो फिर ये आज दुहाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप महाराष्ट्र में शिवसेना ने देखिए वहाँ बुलडोजर चलाया, या इंदिरा गांधी तक की बात की जा रही है कि एक समय में इंदिरा गांधी ने सुकमान गेट पर जो बुलडोजर चलाने के ऑर्डर दिए थे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप न्याय संगत कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने अमानतुल्लाह की बात की है तो मैं उसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा कि अमानतुल्लाह आए और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि निश्चित रूप से जो भी हो रहा है इसका हम विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या हाई कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी हमें जाना पड़ेगा, हम इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और हम भाजपा की जो ये बुलडोजर वाली नीति है इसका विरोध करते रहेंगे क्योंकि ये नीति उस तरीके से नजर नहीं आ रही जैसा कि आप देखें। अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें तो पिछले 5 सालों में जब भी अतिक्रमण हटाया गया है तो एक ट्रक आता है उसमें एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, वो टेबल स्टूल उठाते हैं, एक ट्रक में डालते हैं और ले जाते हैं, लेकिन अब इस अतिक्रमण को हटाने के बीच में जो बुलडोजर आया है इसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी फसल तैयार कर रही है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब अपनी फसल तैयार कर रही है, लेकिन फसल कितनी लहराएगी और कौन किस फसल को कितना काट पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। ठीक गुलशन, ठीक है आपकी बात पूरी करेंगे, बाद में पूरी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। शाहीन बाग में बुलडोजर की आज कार्रवाई हुई लेकिन स्थानीय लोग उसका विरोध लगातार कर रहे हैं और उसके साथ साथ बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध लगातार कर रहे हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रमाकांत जी, सवाल मेरा आपसे होगा, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर के नाम से भी इलेक्शन में जाना गया था, तो वहां पर आसान होगा, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां पर एमसीडी के लिए बुलडोजर का ऑपरेशन रहा बहुत मुश्किल है। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर की जो प्रक्रिया है आपने देखा होगा कि जिस तरह से माफियाओं के ऊपर में इस तरह से वहां पर ऐसे अराजक तत्व थे जो जबरदस्ती जमीन को कब्जा करके रख करके बैठे हुए थे, उनके ऊपर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई आपने देखा, जो कि सरकारी खजाने के अंदर में कम से कम 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने अवैध संपत्ति को सरकारी जमीन में अटैच किया, सरकारी संपत्ति में अटैच किया। अब वहां पर क्या है, तो जो गरीबों को जो घर की व्यवस्था है उसके ऊपर में गरीबों के लिए घर की व्यवस्था की जा रही है वहां पर। चलिए हमारी सरकार है, लेकिन अगर दिल्ली के अंदर में अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, मैं कह रहा हूं जो कि ये दिक्कत होना एक स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए अगर आपकी पूर्व विरोधी कोई पार्टी अगर दूसरे प्रदेश में अगर उसकी सरकार है, देखिए विरोध खुलकर सामने आ गया है रमाकांत जी, जो विरोध है वो खुलकर सामने आ गया है क्योंकि अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कई बातें वहां पर कही हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा, आप लोगों को समझ इतना आ गया होगा कि वहां पर विरोध हो रहा है, आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, आगे की रणनीति क्या होगी एमसीडी? देखिए काजल जी, यहाँ पर एक उसी चीज का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि बुलडोजर का ही विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा यहाँ पर बहुत ऐसी प्रक्रिया है जो उसका विरोध आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। हमारी अगली जो रणनीति होगी वो यही होगी, जो कानून व्यवस्था को बेहतर करते हुए, सुव्यवस्थित करते हुए, जो एक प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए बुलडोजर अगर ऐसे कोई संपत्ति जो इंक्रोच्ड है और जो अतिक्रमण के अंदर में आता है, निश्चित तौर पर उसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको नोटिस भी करना, चिन्हित करना, सर्वे करना, उसके बाद उसके ऊपर में जिस तरह से कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो प्रदेश में
चाहे आप कांग्रेस के द्वारा किसी तरह का विरोध किया जाए, हम उसके ऊपर में बिल्कुल संवेदनशील हैं। जहां पे भी अतिक्रमण हो, जहां पे भी कोई भी माफिया। अब एक चीज और है, आप शाहीन बाग का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसे है, अमानतुल्लाह यहाँ पर आकर के विरोध जता रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी बसे हुए हैं। अब इस चीज को भी चिन्हित करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इसके ऊपर में भी काम चल रहा है, और आप देखेंगे जो कि जिस तरह से घुसपैठिए दिल्ली में अपना एक घर बना करके, आप राशन कार्ड कहें चाहे आधार कार्ड कहें चाहे पहचान नहीं, देखिए अगर अगर आप लोगों ने अगर एमसीडी ने डिसाइड कर लिया है कि बुलडोजर का ऑपरेशन सफल करना है, तो रोहिंग्या आए उसके सामने, या फिर कोई भी समुदाय, या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी आए, या फिर आम आदमी पार्टी आए, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो वो करना पड़ेगा। निश्चित बात है, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं एकमात्र एक विषय रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि इसके आने से हमारा कोई काम रुक जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी जिस तरह की प्रक्रिया होगी आगे, वो काम उसी तरह से होगा, और निश्चित तौर पर चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी के भी विरोध करने के बावजूद हम रुकेंगे। ठीक है रमाकांत जी, आगे 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 मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और सवाल वो तारीखों को लेकर होगा, क्योंकि आगे की तारीखें भी डिसाइड हो चुकी है जहां जहां बुलडोजर का ऑपरेशन होना है। अनुज अग्रवाल जी, अब एमसीडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, बीजेपी का कहना है कि हम करेंगे क्योंकि खुलकर विरोध हो रहा है, और सारा का सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है कि वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्थानीय लोग नहीं है, वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। देखिए, जो भी अतिक्रमण है और उसको जो हटाने की कार्यवाही चल रही है, ये पहला दिन नहीं है, और बुलडोजर की कार्यवाही मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी से पहले सुप्रीम कोर्ट एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, और उसके अंदर में एमसीडी ने कई साल ड्राइव चलाई है जी, और पूरे दिल्ली में बड़ी व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ हुई थी, बड़े अतिक्रमण हटाए गए थे, बीच में राजनीति हुई, और तीनों राजनीतिक पार्टी दिल्ली की जो है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबने मिलजुल के ऐसा खेल खेला कि वो मॉनिटरिंग कमेटी और वो सारी ड्राइव कहाँ हो गई पता ही नहीं चला। अभी नए सिरे से योगी जी का जो बुलडोजर स्ट्रेटजी पॉपुलर हुई है, तो उसके चक्कर में और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सामने है, तो बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा वोट बैंक जो जिसको जबरदस्ती बनाया आम आदमी पार्टी ने, उनको मैनिपुलेटेड करके, उनको अतिक्रमण कराकर, उनको बसाकर, उनके आधार कार्ड और उनके वोटर आईडी इशू किए हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो एक वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी का वो कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक खेल है जो चल रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल पूरे दिल्ली को एक प्लांट बनाने में, सिस्टमेटिक बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होता तो पिछले 3-4 सालों में एमसीडी को ये ड्राइव कर लेनी चाहिए थी। अब जब एमसीडी भंग हो गई है तब ये ड्राइव चल रही है, इसका क्या अर्थ है? ये पिछले 3 सालों में कि सोई भी थी एमसीडी, क्या क्यों नहीं कर रहे थे उस समय काम सारा? लेकिन जब सर पर इलेक्शन आए तो उन्हें लगा कि अब कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेला जाए कि जिससे हम लोगों का वोट बैंक मजबूत हो जाए, हम सरकार बना ले, और चर्चा सारा खेल जी। हाँ, सारा खेल राजनीति का है कि किस तरह सत्ता बरकरार रहे या सत्ता में आया जाए। लेकिन जो असली एक दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर साफ शहर, व्यवस्थित शहर बनाना है जी, उसमें किसी की मंशा बहुत मुझे ईमानदारी नहीं दिख रही, किसी की मंशा दिखाई नहीं दे रही है। ये सवाल पूछूंगी मैं रमाकांत जी से, लेकिन गुलशन आप इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, आगे की जो तारीख है वो डिसाइड हो चुकी है जहां जहां पर ऑपरेशन बुलडोजर होना है, आप ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं, उन जगह के क्या हालात हैं जहां पर ऑपरेशन बुलडोजर होना है, क्या वहां पर भी शाहीन बाग जैसे हालात हो सकते हैं या फिर ऑपरेशन बुलडोजर सफल हो सकता है, उन जगह के हालात बताइए। गुलशन जी, जी मैं आपको बता दूं कि जो अब बुलडोजर की राजनीति है, इसको देखिए पहले समझना होगा हमें आखिर वो है क्या। देखिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले तो उसको बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश में अगर बुलडोजर चले तो उसको बुलडोजर मामा कहा जा रहा है, और दिल्ली में बुलडोजर चले तो उसको बुलडोजर भैया कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब एक पार्टी इस तरीके से स्टैंड लेती है बुलडोजर को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके विपक्ष में खड़ा है या विरोध कर रहा है तो वो भी कोई ना कोई स्टैंड लेगा। मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खुलकर, अगर हम जहांगीरपुरी की बात से थोड़ा सा एक देखें कि वहां पर जिस समय बुलडोजर चल रहा था उस समय कोर्ट का ऑर्डर लेके सीपीएम की नेता विंदर साहब पहुंची थी, लेकिन आज जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह वहां पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से अभी खुल करके बात क्लियर हो चुकी है कि कहीं भी अतिक्रमण होगा तो वहां टकराव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आज ऐसा देखा गया है। लेकिन साथ में ये भी मैं आपको साफ कर दूं कि आज 2 बजे से कोर्ट में सुनवाई है, कोर्ट किस तरह की गाइडलाइन देगा बुलडोजर के लिए
या अतिक्रमण हटाने के लिए ये भी तय करेगा कि आप हो सकता है कि संभव है कोर्ट ही कोई ऐसा। ठीक है, नजर रहेगी इस पर, ठीक है नजर रहेगी इस पर और अपडेट भी लगातार आपसे लेंगे। रमाकांत जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, 3 साल तक एमसीडी सोई हुई थी लेकिन जब एमसीडी भंग हो गई उसके बाद कार्रवाई हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए ताकि चर्चाओं में आ जाए, इलेक्शन का समय है। और देखिए काजल जी, देखिए ये भारत जो है इसको एक लोकतांत्रिक देश है और ये बहुत बड़ा विशाल देश है, कभी न कभी किसी प्रदेशों में देश में ये चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। अब मान लीजिए 2024 का है तो अगर हम कोई काम करेंगे तो 2024 को ध्यान में रखकर करेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब एमसीडी के अंदर में रिफॉर्म की जरूरत थी तो हमने रिफॉर्म किया उसका, अब ये थोड़ी है जो कि एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है इसीलिए हमने इस तरह के रिफॉर्म किया हमने या बुलडोजर की प्रक्रिया हमने चालू करी। अतिक्रमण रमाकांत जी अतिक्रमण आज से नहीं है, अतिक्रमण तो बहुत पहले से है, ये आप लोगों को भी पता था, बहुत पहले से अतिक्रमण, आज से नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और दिल्ली में एक जगह पर नहीं, बहुत जगह पर अतिक्रमण है, ये आप लोगों को पता था, पिछले 3 साल पहले भी ये कार्रवाई हो सकती थी, ऑपरेशन बुलडोजर चलाया जा सकता था। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत तरह के, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जो है सो प्रक्रिया आज हमें लग रहा है जो कि शाहीन बाग का या जहांगीरपुरी का या कालिंदी कुंज का, आज हमें लग रहा है क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है और पहले नहीं लग पाया। ठीक है, जैसे गुलशन जी ने अभी कहा था क्योंकि पहले क्या होता था, एक समय कम है, अपनी बात खत्म करिए रमाकांत जी, समय कम है, अपनी बात जल्दी खत्म करिए, कुछ सेकंड। हाँ बिल्कुल, वो गाड़ियां उसके ऊपर में सारा वो इंक्रोचमेंट जो भी होता था उसके ऊपर में रख करके और उसको लेकर के जाया जाता था, लेकिन आजकल बुलडोजर चल रहा है इसीलिए इस चीज का एक हाईलाइट है और इसीलिए लग रहा है जो कि एमसीडी अभी काम कर। ठीक है, इलेक्शन होने वाले हैं और अभी वक्त आया है ऑपरेशन बुलडोजर का। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्ता के टेम्परेचर में आज हमने खास चर्चा की क्योंकि ऑपरेशन बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है, स्थानीय लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि स्थानीय लोग नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ऑपरेशन बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रही है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।